हमारे साथ आज माननीय सागिर खान साहब हैं, जिन्होंने की एक नया इजाद किया है झंडे के अस्मिता को बढ़ाने के लिए, और उसके बारे में हम चाहते हैं कि सागिर खान साहब आपसे बताएं। जी, मेरा अपना एक सपना था कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा सर्वोपरि है, कि उसके ऊपर एक रिसर्च करूं, उसके सम्मान के लिए एक रिसर्च करूं, जो कि दुनिया देखे कि रिसर्च सभी सेक्टरों में किया जा सकता है। तो मैंने देखा कि बचपन से मैं देखता आ रहा था, कि मैंने जब से होश संभाला है कि राष्ट्रीय ध्वज को जब चीफ गेस्ट होस्ट करता है हमारे यहाँ भारत में, तो राष्ट्रीय ध्वज में बंधे हुए फूल उस पर्सन के सर पे उसके चरणों में आते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज ने उस पर्सन को नवाजा है फूलों से, ना कि उस अतिथि ने फूल चढ़ाकर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित किया है। तो मैंने एक ऐसा रिसर्च किया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे सर्वोपरि है, हम फूल राष्ट्रीय ध्वज पे चढ़ाएं, ना कि राष्ट्रीय ध्वज से अपने ऊपर चढ़वाएं। तो इसके ऊपर मैंने एक साइंटिफिक लॉजिक लगाते हुए और राष्ट्रीय ध्वज को एक आधुनिक तकनीक में कन्वर्ट किया, उसका डिवाइस बनाया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा बटन दबते ही ऊपर जाएगा और उसके ऊपर फूल चढ़ेंगे, फिर होस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा। दूसरा मैंने ये भी देखा इस अध्ययन में, मैंने ये भी किया कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं लोगों के ऊपर, और वो ज्यादातर मुकदमे इस बात को लेकर हैं कि लोग राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को इंस्टॉल करने वाला हमारे देश में ज्यादातर अध्ययन के मुताबिक पाया गया कि वो अदर पर्सन होता है। कभी भी होस्ट करने वाला चीफ गेस्ट राष्ट्रीय ध्वज को इंस्टॉल नहीं करता फ्लैग गार्ड के ऊपर, तो वो गलती से उल्टा बांध देता है, और जब होस्ट करने के लिए उसकी गांठ खुलती है तो देखा कि वो राष्ट्रीय ध्वज का ग्रीन कलर ऊपर था और सैफ्रॉन नीचे था, तो फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग वो गलती हो जाती है और उसके खिलाफ मुकदमे दायर हुए हैं। मैंने ऐसा देखा, तो इस चीज से निजात मिल सके तो मैंने एक ऐसा रिसर्च किया कि राष्ट्रीय ध्वज में अगर उल्टा ध्वज लगा है डिवाइस के अंदर, तो आप बटन दबाएंगे तो वो सेंस नहीं करेगा। ये तो इतनी अच्छी चीज आपने बताई है, सब कुछ किया है और इसमें आप तारीफ और बधाई के पात्र हैं। आप ये बताइए कि जो भी आपने बनाया है, क्या ये कहीं संशोधन जो कायदे कानून है, जो आचार संहिता है इसकी झंडे की, गृह मंत्रालय के निर्देश, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया आपने? नहीं, हमने इसमें बदलाव कुछ नहीं किया है। राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल सेम, हमारा जो भी कॉर्ड है उसका जो नाप तोल पैमाइश है वो सब सेम है, केवल हमने उसे फहराने की हाईटेक तकनीक विकसित की है। ये तो बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा एक हाईटेक टेक्नोलॉजी, पहले आज इंसान चांद पे पहुंच गया, अभी लाल किले पर सुनीता विलियम्स गई तो मैंने देखा हर जगह उनके फोटो लगे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर लाल किले पे एक हमारा हिंदुस्तानी होके आ रहा है तो एक ऐसा डिवाइस अगर इंस्टॉल कराए तो सूर्य की एनर्जी से वो हम जब 26 जनवरी 15 का गणतंत्र दिवस मनाए तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पर चंद्रमा पर फहरे। ये तो आपने कमाल किया, लेकिन ये बताइए जो आपका फैलाने का जो तरीका है, तो हो सकता है कि कम से कम ये कुछ नई चीज ईजाद करें या कायदे कानून में कोई संशोधन करने का रास्ता इसका मतलब आपने खोला है? हाँ, ये काम सरकार का है। हाँ। और मैं एक साइंटिफिक एंगल पे काम करता हूँ, एक साइंटिफिक सोच रखता हूँ। मैं एक इनोवेटर हूँ, इन्वेंट करना, इनोवेशन करना मेरा कार्य है। तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी से पूरा प्रयास करता हूँ कि कोई ऐसी गलती ना हो, कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कुछ गलत हो, अच्छा ही हो और उसको हाईटेक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो। आपको सागिर खान साहब बहुत बहुत बधाई, 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई, और जो आपने इतना बड़ा काम किया है, हम चाहेंगे कि हमारे parichowk.com की तरफ से इसको सरकार तक लाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।